हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लता की लाइब्रेरी। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान ऑल प्रोजेक्ट पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। इस पैटर्न को आप लेडीज, गर्ल्स, बेबीज और जेंट्स के ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पैटर्न को कैप में भी अप्लाई कर सकते हैं। बनके बहुत ही सुंदर हमारा ये पैटर्न आ जाता है और रॉन्ग साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। तो देखिए, पैटर्न की फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से ये पहला फंदा उतार लेंगे। फिर देखिए, नेक्स्ट हमने दो फंदे सीधे बुन लेने। अब नेक्स्ट फंदों पे हमारा पैटर्न बनेगा चार फंदों पे। तो देखिए, चार फंदों में से हमने दो फंदे सीधे बुनने, एक और दो। ये दो फंदे सीधे बुने, फिर धागा अपनी साइड करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट हमने दो फंदे एक साथ बुनने हैं और इनसे हमें पांच फंदे बना लेने। तो देखिए, ये धागा अपनी साइड है। तो देखिए, दो फंदे एक साथ बुनेंगे, एक फंदा हो गया। फिर देखिए, दूसरे फंदे के लिए सिलाई पे धागा रोल करेंगे। फिर देखिए, तीसरे फंदे के लिए इन दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। फिर देखिए, चौथे फंदे के लिए हमने सिलाई पे धागे को रोल कर लेना है और पांचवा फंदा इन दो फंदों को एक साथ बुन के बना लेंगे। तो देखिए, ये दो फंदों से हमारे पांच फंदे हो गए। फिर धागा पीछे करेंगे। नेक्स्ट हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है, दो फंदे सीधे बुनेंगे। फिर देखिए, धागा अपनी साइड करेंगे और दो फंदों से हमने पांच फंदे बना लेने। तो एक हो गया, दूसरा फंदा सिलाई पे रोल करके, तीसरा फंदा इन दो फंदों को एक साथ बुन के, फिर चौथा फंदा सिलाई पे रोल करके और पांचवा फंदा इन दो फंदों को एक साथ बुन के। ये देखिए, फिर देखिए, नेक्स्ट हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदों को एक साथ बुनेंगे और इनसे पांच फंदे बना लेंगे। लास्ट में देखिए, दो फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए, रॉन्ग साइड से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए, फ्रंट साइड से सेकंड रो। अब सेकंड रो में देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, हमने दो फंदों से जो पांच फंदे बनाए हैं तो इनमें से दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे। ये देखिए, ये दो फंदे हमने एक साथ बुनने हैं, ये दो का एक कर लेंगे। इन पांच फंदों से हमें फिर दो फंदे बनाने हैं। तो देखिए, ये दो फंदे हमने एक साथ बुने और एक फंदा बन गया। अब देखिए, ये तीन फंदे हैं, इनको एक साथ बुनेंगे तो इससे हमारा दूसरा फंदा बन जाएगा। ये देखिए, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे। फिर देखिए, हमने दो फंदे एक साथ बुन लेने हैं। ये देखिए, फिर देखिए, ये तीन फंदे एक साथ बुनेंगे, इससे हमारा दूसरा फंदा बन जाएगा। ये देखिए, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे। देखिए, ये दो फंदे एक साथ बुनने, हमने ये दो का एक करेंगे। फिर देखिए, ये तीन फंदे एक साथ बुनेंगे, ये तीन का एक करेंगे। तो देखिए, दो फंदों से जो हमने पांच फंदे बनाए थे, फिर हमने उन पांच फंदों से दो फंदे बना दिए। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए, ये फ्रंट साइड से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए, रॉन्ग साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा। तो देखिए, यहाँ पे रिपीट की एक रो, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुन लेंगे। ये दो फंदे हमने सीधे बुनने हैं। ये देखिए, ये फ्रंट साइड से दो फंदे हमारे उल्टे आए हैं। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और देखिए, फ्रंट साइड से जिन दो फंदों पे पैटर्न बना है, बैक साइड से देखिए उन्हीं दो फंदों पे हमारा पैटर्न बनेगा थर्ड रो में। तो देखिए, ये दो फंदे हमने एक साथ बुनने हैं और इनसे हमें पाँच फंदे बना लेने। तो एक हो गया, दूसरा फंदा सिलाई पे रोल करके, तीसरा फंदा इन दोनों फंदों को एक साथ बुन के, चौथा फंदा सिलाई पे रोल करके और पांचवा फंदा इन दो फंदों को एक साथ बुन के। फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुन लेंगे,
फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे एक साथ बुन लेंगे और इनसे पांच फंदे बना लेंगे। तो सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए रॉन्ग साइड से अपनी थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। देखिए रॉन्ग साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। थर्ड रो में हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा था। अब हमने अपने पैटर्न को ऐसे ही रिपीट करते जाना है और बनके देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान पैटर्न है, आप इसे ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।